खाली हो गया था तब भी नीचे आ जाना था, अब ये ऐसे पड़ गया मतलब ऐसे अभी। नमस्कार दर्शकों, लाइव एफएम सीरीज में आपका स्वागत है। इस समय हम शिमला के कार्ट रोड में यानी कि गंज बाजार के समीप, और आपको बता दें कि पिछले कल यहां पर भूस्खलन हुआ था और जिसके कारण यहां पर जो मार्ग है उसे बंद कर दिया गया था। खतरे को देखते हुए दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद हम आपको बता दें यहां पर एक पेड़ था उसे काटा गया और उस वृक्ष को काटने के बाद वाहनों की आवाजाही एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दी गई। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वो पेड़ है जिसे काटा गया था, क्योंकि ये खतरा बना हुआ था कल, और उसके बाद वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। लेकिन बात की जाए यहाँ पर मरम्मत कार्य शुरू हो गया है, लेकिन जो खतरा है वो अभी भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। और आप ये तस्वीरें यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ से कल जो भूस्खलन हुआ था मार्ग के बीचों बीच ये जो डंगा है वो आ गया था, और खतरे को देखते हुए यहाँ से जो वाहनों की आवाजाही है दोनों तरफ से रोक दी गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर भूस्खलन का मलबा हटाया गया और मलबा हटाने के बाद यहाँ से पेड़ को काटा गया और उसके बाद वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चालू कर दी गई। लेकिन बात की जाए यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ये जो भूस्खलन हुआ है इसके ऊपर यहाँ पर ये पार्किंग बनाई गई है, और ये पार्किंग जो बनाई गई है इसको भी खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो पार्किंग बनाई गई है इससे पहले यहाँ पर एक पार्क का निर्माण किया गया था, और भूस्खलन के चलते वो पार्क भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, और उसके बाद यहाँ पर पार्किंग का निर्माण किया गया था। अब ये जो पार्किंग का निर्माण किया गया है ये एक बार फिर खतरे की चपेट में आ गई है, और यहाँ से जो वाहन जा रहे हैं कहीं ना कहीं खतरे की जद में। और यहाँ पर ये जो मलबा है इसे हटाया जा रहा है, और काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हेतराम जी, सलीम खान जी, जगदीश ठाकुर जी। तो मैं आपको बता दूँ शिमला का जो कार्ट रोड था वो जो बंद किया गया था मार्ग गंज के बिल्कुल ठीक नीचे, अब उसे एक बार फिर से वाहनों के लिए खोल दिया गया है। और मैं यहाँ पर कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, जिस प्रकार से यहाँ पर वाहनों का जो ट्रैफिक जाम लगता है तो से वाहनों पर कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये और ये देखिए यहाँ पर ये जो डंगा है ये भी कहीं ना कहीं गिरने की कगार पर है। और बात की जाए पिछले कल एक पेड़ काटा गया था खतरे को देखते हुए, और आज एक पेड़ और काटा गया है जिसको मैंने आपको तस्वीरें यहाँ पर सीधा यहाँ पर हमने आपको दिखाई, ये पेड़ आज सुबह यहाँ पर काटा गया है। और जिस प्रकार से कार्ट रोड में खतरा बना हुआ है तो पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, दोनों तरफ यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है, और यहाँ से जो ट्रैफिक है जल्दी निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जाम यहाँ पर ना लगा रहे जिससे वाहनों को खतरा ना हो और आवाजाही भी सुचारू रूप से चलती रहे। मॉनसून की बात की जाए तो इस मॉनसून में वर्षा का भारी तांडव देखने को पूरे प्रदेश भर में मिला है, और वहीं पर शिमला की बात की जाए शिमला में भी आए दिन भूस्खलन घटनाओं की सूचना मिलती रहती है। वहीं पर ये जो भूस्खलन हुआ है ये कल शाम की घटना है, मंगलवार शाम 6 बजे यहाँ पर भूस्खलन हुआ था,
जिसके कारण काटोट मार्ग बंद कर दिया गया था और यहाँ से भूस्खलन का मलबा किनारे किया गया और यहाँ पर जो पेड़ थे दो पेड़ उन्हें काटा गया है और आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर खतरा अभी भी बना हुआ है। ये दोनों और पुलिसकर्मी खड़े हैं, ट्रैफिक को जल्दी निकालने का प्रयास यहाँ से किया जा रहा है ताकि कोई खतरा वाहनों पर ना बन सके। लोगों जिस तरह से लोगों की आवाजाही यहाँ से हो रही है तो खतरे को देखते हुए दोनों तरफ ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद और जिस तरह से मैं आपको आगे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा ये आप देख सकते हैं कि ये जो डंगा है पूरी तरह से खोखला हो चुका है और कभी भी ये नीचे की ओर गिर सकता है। और यहाँ पर तरपाले भी रखी गई हैं क्योंकि जिस तरह से बरसात का मौसम है तो आने जाने वाले वाहनों को खतरा ना बने तो तरपाले रखी गई हैं जिससे कि भूस्खलन का खतरा ना बना रहे। और ये वो पार्किंग है जो यहाँ पर पार्क के बाद बनाई गई थी। यहाँ पर पहले पार्क का निर्माण किया गया था लेकिन वो पार्क भी ध्वस्त हो गया था और उसके बाद यहाँ पर पार्किंग का निर्माण किया गया था। रोक ले। और बीच बीच में वाहनों को रोका भी जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर पेड़ 1-20 सुबह ही काटा गया और ये आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा अभी वाहनों बन चुका है दोनों वर्ष उनके बाद आपको पता है आपको सामने है तो बोलने में और ये देखिए वाहनों की आवाजाही अब कुछ देर के लिए रोकी गई है क्योंकि यहाँ से ये आप ये देख रहे हैं जो सामान है ऊपर से वो नीचे की ओर किया जा रहा है। जो टूटा सामान है मलबा है वो नीचे की ओर फेंका जा रहा है जिससे वाहनों को खतरा ना पैदा हो। इसके बाद फिर एक बार से वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। बीच बीच में वाहनों के लिए कुछ देर के लिए रोका जा रहा है जिससे कोई खतरा ना बने। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो भूस्खलन हुआ है ये दूसरी बार ये जो भूस्खलन हुआ है इससे पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया यहाँ पे पार्क का निर्माण किया गया था वो प्रकार पार्क भी माफ कीजिएगा पार्क भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था और उसके बाद यहाँ पर पार्किंग का निर्माण किया गया है और ये अब पार्किंग भी खतरे की जद में आ चुकी है। कभी भी ये पार्किंग भी यहाँ पर क्योंकि बात की जाए जिस तरह से इसके नीचे ये डंगा है कभी ये डंगा भी यहाँ पर खिसक सकता है और गिर सकता है और ये पार्किंग भी उस खतरे की जद में। जिस प्रकार से यहाँ पर वाहन बीच बीच में रुकते हैं ट्रैफिक जाम लगता है तो कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। यहाँ पे भले ही यहाँ इस आप देख रहे हैं ये जो रिटेनिंग वॉल है ये जो डंगा है इसे तरपालों से ढक दिया गया है क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ डंगे को खतरा बना हुआ है तो यहाँ पर जो रिटेनिंग वॉल है उसे ढक दिया गया है तरपाल से ताकि बरसात के कारण
मलबा नीचे सड़क पर ना आए और आवाजाही में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। दर्शकों, एक बार आपको फिर मैं पुनः बता दूं कि जो कार्ट रोड में कल भूस्खलन हुआ था गंज के समीप बिल्कुल नीचे यहां पर भूस्खलन हुआ था, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी। पिछले कल शाम 6 बजे ये भूस्खलन हुआ था और जिसके कारण दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर मलबा हटाने के बाद और यहाँ पर 2 पेड़ जो थे उसे काटने के बाद यहाँ पर वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो चुकी है। लेकिन बात की जाए, खतरा अभी भी बना हुआ है, जिस प्रकार से तस्वीरें बयां कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो डंगा है पूरी तरह से नीचे से खोखला हो चुका है। और बात की जाए, इसके ऊपर ये जो पार्किंग है ये भी खतरे की जद में है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं खतरा अभी भी बना हुआ है। और बात की जाए, इसको जो बचाव कार्य है यहाँ पर वो किया जा रहा है। अभी सुबह ही यहाँ पर पेड़ काटा गया और यहाँ पर जो मलबा है, जो खिसकने वाला मलबा है, उसे हटाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। तो दर्शकों, इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।